नमस्कार दोस्तों, सनातन साइंस में आपका स्वागत है। बहुत से लोग पूछते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का क्या उपाय है, बहुत से लोग पूछते हैं कि परमात्मा को कैसे पाएं, कैसे परमात्मा का साक्षात्कार हो, कैसे हमें प्रभु मिल जाए। सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। अगर ये बात सच है तो अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें, आपके हाथ में, आपके आसपास हर चीज़ में परमात्मा होना चाहिए। लेकिन उसको हम कैसे देखेंगे? इसको आप अभी देख सकते हैं, लेकिन आपको एक खास तल की सजगता चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अभी ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेबल हटाने का काम करेंगे। सबसे पहला लेबल तो हम लगाते हैं मेरा। जो कुछ भी चीज़ है वो या तो मेरी है या आपकी है या इसकी है या उसकी है। तो जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है तो सबसे पहले मन से ये निकाल दीजिए कि ये मोबाइल किसका है। ये धारणा नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ हाथ में मोबाइल है। किसके हाथ में मोबाइल है? अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, लेकिन हमने मेरा किसके साथ चिपका दिया? हाथ के साथ। अब हाथ से भी मेरा हटा लीजिए तो ये क्या बचा? सिर्फ एक हाथ। और उसके बाद ये हाथ है ऐसी जो आपकी याददाश्त है उसको भी खो जाने दीजिए। जो चीज़ आपके सामने जैसी है उसको वैसी ही देखिए। अब एक बार पलके झपकाइए। अब गौर करिए, आप शरीर के अंदर हैं या बाहर हैं। अगर ये इतना मुश्किल लग रहा है तो अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा के देखिए ऐसे। इससे क्या होगा? आपको पता लगेगा कि आप शरीर के अंदर हैं या बाहर हैं। अगर आप शरीर के अंदर हैं तो निश्चित ही आप परमात्मा को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आप शरीर के अंदर हैं या बाहर हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, तो अभी आपको और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। इसी तरह के इंस्टेंट प्रयोगों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।